और आज एक बार फिर मैं धुले की धरती पर आया हूं। धुले से ही मैं महाराष्ट्र में चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। आपका ये प्यार, ये अपार जन समर्थन, ये जन समूह जितने लोग पंडाल में है उससे ज्यादा पंडाल के बाहर है, उधर तो उनको पर्दे भी खोल देने पड़े। ये जन समूह, ये उत्साह, ये उमंग वाकई अभिभूत कर देता है। हम सभी को, भाजपा को, महायुति को, महायुति के एक एक उम्मीदवार को आपके आशीर्वाद चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछले ढाई वर्षों में महाराष्ट्र के विकास को जो गति मिली है उसे रुकने नहीं दिया जाएगा। अगले पांच वर्ष महाराष्ट्र की प्रगति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। महाराष्ट्र को जो सुशासन चाहिए वो सिर्फ महायुति की सरकार ही दे सकती है, और उधर देखिए महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं ना ब्रेक है, और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है, और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। साथियों, राजनीति में आने पर हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। वही कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले महाअघाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। आपने महाअघाड़ी वालों के धोखे से बनी सरकार के ढाई साल देखे हैं। इन लोगों ने पहले सरकार लूटी और फिर महाराष्ट्र के आप लोगों को भी लूटने में वो लग गए थे। इन लोगों ने मेट्रो परियोजनाओं को ठप कर दिया, वाढ़वण पोर्ट के काम में अड़ंगा लगा दिया, समृद्धि महामार्ग बनने में रुकावटें पैदा की। अघाड़ी वालों ने हर उस योजना पर रोक लगा दी जिसे महाराष्ट्र के लोगों का भविष्य निश्चित उज्जवल होने वाला था। साथियों, ये हालत तब बदले जब आपके आशीर्वाद से यहां महायुति की सरकार बनी।
महायुति के ढाई वर्षों में महाराष्ट्र ने विकास के नए रिकॉर्ड बनाए। शिंदे जी की कमान में ढाई वर्षों में महाराष्ट्र को उसका गौरव वापस मिला है, विकास का भरोसा वापस मिला है और इसलिए मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं से आग्रहपूर्वक कहूंगा, आप सबको याद रखना है, भाजपा महायुति आहे तर गति आहे, महाराष्ट्राची प्रगति आहे। साथियों, मैं आज महायुति को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। महायुति ने महाराष्ट्र को नई समृद्धि देने वाला वचननामा जारी किया है। महायुति के 10 संकल्पों की बहुत चर्चा हो रही है। शिंदे जी, मेरे मित्र देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी ने जनता के सुझावों से ये शानदार वचननामा तैयार किया है। महायुति चा वचननामा विकासाची वाढेल गती, महाराष्ट्राची होणार हम खास प्रगती। महायुति के इस वचननामे में, इस घोषणा पत्र में हर वर्ग की आर्थिक प्रगति की योजना है, समानता का भाव है, सुरक्षा का एहसास है और सबको साथ लेकर चलने का विश्वास है। इसमें महाराष्ट्र के भविष्य का रोडमैप है। मैं ऐसे जन कल्याणकारी वचननामे के लिए महाराष्ट्र की जनता को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं। महायुति का वचननामा विकसित महाराष्ट्र का आधार बनेगा, विकसित भारत का आधार बनेगा। साथियों, यहां जितनी इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें बेटियां आई है, दूर दूर तक मैं देख रहा हूं, विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के लिए हमारी बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाना, उन्हें सशक्त करना बहुत जरूरी है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज तेजी से प्रगति करता है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने महिलाओं को केंद्र में रखकर अनेक बड़े बड़े फैसले लिए हैं। पिछली सरकारों ने सैनिक स्कूलों से लेकर काम के कई क्षेत्रों में महिलाओं का रास्ता रोका हुआ था, ये मोदी है, उसने वो सारे बंधन हटाए, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में काम के अवसर दे दिए, सारे दरवाजे खोल दिए। हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के जरिए विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को आरक्षण का अधिकार दिया।
शौचालय से लेकर गैस सिलेंडर तक हर योजना के केंद्र में हमारी माताएं बहनें ही रही है। हमने जब इन योजनाओं को शुरू किया था तब कांग्रेस के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वही योजनाएं महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन गई है। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार भी हमारे विजन को आगे बढ़ा रही है। माताओं को बहनों के लिए यहां अनेक योजनाएं शुरू की गई है। आज महाराष्ट्र में हर डॉक्यूमेंट पर माता का नाम अनिवार्य कर दिया गया है। महायुति सरकार के इस फैसले का हर किसी ने खुले दिल से स्वागत किया। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र पुलिस में 25,000 बेटियों की भर्ती से एक नया विश्वास पैदा होने वाला है, महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ने वाला है और महिला सुरक्षा बढ़ेगी और बेटियों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठा रही है वो कांग्रेस और उसके गठबंधन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि महायुति सरकार की माझी लाड़की बहन योजना, ये माझी लाड़की बहन योजना की सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं देश के हर कोने में चर्चा है, लेकिन कांग्रेस माझी लाड़की बहन योजना को बंद करवाने के लिए भांति भांति साजिशें रच रही है। कांग्रेस के इकोसिस्टम वाले लोग इस योजना के खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गए हैं। कांग्रेस और उसके साथियों ने ठान लिया है कि अगर उन्हें सत्ता मिली तो सबसे पहले इस योजना को बंद कर देंगे। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं के लिए ये योजना चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? महिलाओं को आगे बढ़ाने की योजनाएं चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? और इसलिए महाराष्ट्र के हर महिला को इन अगाड़ी वालों से सतर्क रहना है। ये लोग कभी नारी शक्ति को सशक्त होते नहीं देख सकते। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, कांग्रेस और अगाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं, कैसी कैसी अभद्र भाषा, कैसे कैसे कमेंट, महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश महाराष्ट्र की कोई माता बहन कभी भी अगाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती। साथियों, भाषा भी और मातृभाषा तो एक तरह से
हमारी मां होती है। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। इस फैसले के बाद मुझे देश और दुनिया भर के मराठी भाषी लोगों के संदेश मिल रहे हैं। लोग इस फैसले से भावुक हैं। ये उनका वर्षों पुराना सपना था जिसे हमारी सरकार ने पूरा किया है। भाइयों और बहनों, मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिले, ये दशकों से महाराष्ट्र के लोगों की इच्छा थी, मांग थी। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में भी राज किया है, केंद्र में भी राज किया है और केंद्र में महाराष्ट्र में एक साथ भी राज किया है, सरकारें चलाई, लेकिन मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिले इन्हें इसकी जरूरत नहीं लगी। इन्होंने हमेशा मराठी भाषा के सम्मान की मांग को अनदेखा किया। उन्हें अब भी परेशानी हो रही है, ये काम मोदी ने कैसे कर दिया, मोदी ने क्यों कर दिया। महाराष्ट्र के नाम पर राजनीति करने वाले अघाड़ी वालों का यही असली चेहरा है। साथियों, महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार ने कैसे काम किया है ये आज पूरी दुनिया भी देख रही है। आज विदेशी निवेश में, नए अवसरों में महाराष्ट्र पहली पसंद है। लगातार दो साल तक महाराष्ट्र विदेशी निवेश में नंबर वन रहा है। इस साल के पहले तीन महीने में 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा विदेशी निवेश अकेले मेरे महाराष्ट्र में आया है। महाराष्ट्र को सभी निवेश परियोजनाओं में प्राथमिकता दी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन परियोजना, ग्रीन एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट, स्टील प्रोजेक्ट, ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में स्थापित किए जा रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये पोर्ट भी, बंदरगाह भी हमारे महाराष्ट्र में बन रहा है।